ये हिंदी इंग्लिश दोनों है, और यहाँ पे लोग पढ़ाई जरूर करते हैं, वो पढ़ते बहुत बढ़िया है। SSP इंटर कॉलेज दोस्तों, ये देखिए बराहा कला जो कि आता है कुटी में, आप सब देख रहे होंगे यहाँ के नज़ारे कुछ बढ़िया है। कहीं खेती गेहूँ कटने लगा है तो कहीं अभी नहीं कट रहा दोस्तों। और क्या होता है कि सरसों तो हमको हमारे हिसाब से ज़्यादातर कट गए हैं। देख रहे हैं आप सब दोस्तों क्या नज़ारे यहाँ की, सीन बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम मज़ेदार। कहाँ पे मज़े तो पर विकास नहीं है दोस्तों, कहाँ पे लोग बर्बाद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। जो कि कुकड़ी में कुड़की में एक मेरा दोस्त रहता है विकास यादव, जो कि डमरू नाम उसको प्यार से डमरू बुलाते हैं हम सब। अब उन सबका घर मैं दिखाना चाहता हूँ, इस भाई कंपनी का घर की, ये घर यही है, ये वाला जो समाजवादी पार्टी, यही घर है दोस्तों। आप सब एकदम नज़ारे से मस्ती से देख रहे होंगे, एकदम सीन अगल बगल दाएं बाएं। तुम देख रहे हैं गांव का सीन, क्या बात है भाई, यहाँ का बात ही अलग। ये देख रहे हैं आप सब, ये चौराहा है, ये चौराहे से हम लोग आगे से देख लेते हैं कोई ठोक ठाक ना दे। इसी से हम लोग बढ़ते हुए कदम बढ़ाते हुए अपने आ रहे हैं सब। क्या हुआ कि दो लोग अभी बाहर, भाई लोग छूट गए हैं, एक भाई एक बेटा है, दोनों छूट गए हैं पीछे आ रहे हैं। यहाँ के नज़ारे, पेड़ पौधे, हमारे मेजा विधानसभा बहुत अच्छी विलेज है, ये बहुत अच्छा स्टेट है ये, और बहुत मज़ेदार है, मज़ा लेते रहते हैं हम लोग दोस्तों। एक चांस है मेरा यहाँ विधायकी लड़ने का, मेजा विधानसभा बहुत पकड़ है मेरी, और मैं हर घर में पकड़ बना रहा हूँ इस समय, क्योंकि इसमें निकल चुका हूँ। और मैं संदीप पटेल जी का साथ दूंगा इस साल नहीं तो नेक्स्ट बार मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि धीरे धीरे पर्चे बनाना बहुत महत्व रहता है दोस्तों। मैं एक अपने भाई को खो चुका हूँ, सपा नेता शैलेंद्र यादव, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनकी यादें दिन रात मेरे दिमाग में घुसती रहती हैं दोस्तों। लोग उनको पसंद करने लगे थे और उनका चांस था जीतना, पर दोस्तों अब वो नहीं रहे दुनिया में, तो इसीलिए उनका चांस अब खोना पड़ जाएगा दोस्तों। ये आप सब देख रहे होंगे यहाँ की बढ़िया ही बढ़िया सीने, बढ़िया ही रोडे, और थोड़ा गेयर लगा के चलाओ, देखो 40 की स्पीड में चलाओ तो गाड़ी उड़ी अपन। तो ये देखिए SGT पब्लिक स्कूल, इस घर में करीब पूरे पुरुष प्रधान आके आ रहे हैं। यहाँ के नज़ारे आप सब देख रहे होंगे बहुत बेहतरीन। आज ब्लॉगिंग करने का मन था दोस्तों, इसीलिए निकल चुका हूँ। मंजिल इन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने पे हार नहीं मानते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने पे हार नहीं मानते। अरे कोशिश कर रहे तो वो हार याद कहा करी लगा है। पहाड़ का नज़ारा क्या बात है, वाह, यहाँ पहाड़ आपको देखने बहुत मिलेगा। यहाँ पे हमारे मेजा में पहाड़ी इलाका बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, कुछ ही लोग जो हैं गड़बड़ हैं, नहीं सभी अच्छे हैं यहाँ। डाइट जो कि यहाँ पे न खान न पीन ये सब करते हैं, जानवर चराते हैं, तो हेल्थ बने रहते हैं इन सब का। देख रहे दादा लोग ऐसी शरीर है, ऐसे लग रहा है कि अभी जवान ही है, इतने फिट फाट है दोस्तों। यहाँ की बातें कुछ अजीब है, यहाँ की बातें मत करिएगा, पर बात बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे। ड्राइवर जो कि आप जब देख रहे होंगे, ड्राइवर वो बढ़िया है, और ये मतलब हर जहाँ खाली है वहाँ भी हारा मार देता है फालतू में। अब ये गाड़ी जब रोका तब पूछा जाए ऐसा क्यों करता है ये, देख रहे हैं क्या मतलब, यहाँ बहुत रईस आदमी है। और इसी तरह हम सब बनते रहते हैं और देखते रहते हैं अपने नज़ारे। यहाँ सर्विस सेंटर भी, कोई सर्विस सेंटर था दोस्तों लेट हो गया बनाने में, ये तुम्हारे हिसाब से दिख जाता है यहाँ पे। और ये दादाजी जो कि हमारे रेंगे पड़े हुए हैं, खाए पिए पड़े हैं मस्त एकदम, और ये रोड शो हम कर रहे हैं इसमें अपने विधायकी के लिए कदम बढ़ाए चले पड़े हुए हैं। विधायकी का चांस है जीतने का हमारे हिसाब से, अभी स्कूल पे बाहर से जो स्कूल है वहाँ पे, और ये स्कूल एक
यहाँ पे रही, क्या नाम है यहाँ मेरा मर्जी, और जबकि पुणे स्कूल आप देख रहे हैं मर्जी विद्या निकेतन है, ये भी है महाराज श्री दंडी स्वामी केशव प्रसाद मौर्या जी बनवाए हुए हैं। ये है रोड जो कि गुनाई के अंदर निकलेगा, ये आप सब देख रहे होंगे वहाँ पे, जो कि दो बंदे हमारे जो घर के थे उतर आ चुके हैं। अरे रुको माधव से बहुत तेज आज मौसरी वाला यार, ऐसे गाड़ी चलो इधर बर्बाद हो जाओ। और ये जो कि हम लोग एंटी मार चुके हैं गुनाई के स्कूल में, बहुत अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छे बेहतरीन, और मैं आप सबको कैमरे मोबाइल जेब में डाल के बनाऊँगा ताकि कोई बोल ना सके। देखिए आप सब यहाँ के नज़ारे, यहाँ के कुछ बढ़िया ही सीन है। ये मर्सी स्कूल, गाड़ी की सेफ्टी करेंगे, ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहे हैं हम लोग। हेलो मनीष, आइए आप सर, आगे चलिए। दोस्तों टेस्ट हो गया, हम लोग टेस्ट देने के बाद जो कि मोटरसाइकिल आप सब देख रहे हैं और जो कि निकल चुके हैं, चलो यार चलो। हाँ लिए हो पूरा? हाँ लिए हैं, चलो हेलमेट अंदर कर रहा ओके। हाँ तीनों डाला है यार ये। और के बाद दोस्तों जो कि हमारे मनीष से, मनीष क्या क्या पूछा गया आपसे? फ्रैक्शन पूछा गया। क्वेश्चन कौन? हाँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। प्रिंसिपल ने क्या बोला जब आपने प्रिंसिपल से मिला तो? बेटा बैठिए। अच्छा बैठिए, मतलब पूछ क्या रहे थे? बैठे तो हम भी जानते, बैठे ही है ये, क्या पूछ रहे थे आपसे? क्वेश्चन पूछ रहे थे। अरे कौन सा क्वेश्चन, कुछ बताएंगे? एक आध क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ किस लिए? ये हमारे भाइयों, और ये भाई है आगे वाला बेटा है, और ये सब देख रहे हैं आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे। और जो कि हमारे आशीष का, मनीष बेटा का तेलवा चालू के लिए यार। और तो दोस्तों जो कि हम लोग पहुँच रहे हैं अक्षदय नगर है ढकेल पर, और हम लोग जो कि देने के बाद, और मनीष का जो कि एडमिशन सक्सेसफुल हुआ, पर एक दिन तक दिक्कत आ गई दोस्तों, क्योंकि अभी मनीष ने अभी पेपर दिया है, इसी कारण अभी टीसी और रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए तो जो प्रिंसिपल थे वो महर्षि के प्रिंसिपल जो कि उन्होंने बोला कि आप महर्षि टीसी और महर्षि लाएंगे, आपका काम और जल्द से जल्द हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कल जाके और ले के आऊँगा वहाँ से। और दोस्तों इसी तरह आगे कदम बढ़ाते हुए चलते हुए नन्हे नन्हे पैरों से, नन्हे नन्हे कदमों से, और गेंद को उठा दिया है और इसी तरह मचले दोस्तों। हेलो दोस्तों, यहाँ पे घर बनवाने के लिए गिट्टी बालू गिरवाए हुए हैं, सेलिंग बहुत तगड़ा करते हैं यहाँ से। आप यहाँ की वही रास्ता, वही घर, वही जगह, आप सब कुड़की में पहुँच चुके हैं दोस्तों। और कुड़की में पहुँचने के बाद, कुड़की में पहुँचने के बाद हम सब अपना जो कि समोसे खाने की आज खुशी में है, और समोसा हमारे साथ से खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहुँचने के बाद पता चलेगा। और हम लोग काफ़ी अभी शायद 5 किलोमीटर पे हैं, और पहुँच को आप कुछ खाएँगे और आप सब कुछ खाएँगे, आप सब खाना चाहें बताना। दोस्तों हम लोग कुड़की पहुँच गए हैं, और यहाँ समोसे की दुकान है, ये देखिए कान्हा सर सोडा शॉप। देखिए यहाँ पे समोसे खाने का इंतज़ार में हम लोग यहाँ समोसे खाएंगे और आनंद के लिए। आओ यार आओ, वो बढ़िया क्या होता और तीन जना है ना, क्या तक आओ लेता।
तू पहले तो खाए पड़े ना, तू बताओ कैसे बताओ हमसे आना तो भैया निकाले अच्छे से। क्या खाओगे आशीष? देना तुम्हें पर समोसा दे आ नहीं, बात सही बोल रहा है। ले हम दोनों डाल दें, हमारे मीठे में डाले आप। ले बहुत ही वाले में ठंडा टाइम कर रहा है, नीचे जाऊँगा। लोगों को इतना गर्मी लग रही थी, नीचे पंखा चला के यहाँ पर जा रहे हैं। तैयारी जब अच्छा बताओ तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम सरकारी नौकरी में, तुम बिजनेस छोड़ के सरकारी नौकरी जाओगे? आप सब देख रहे हो रोहित आशीष मनीष और मैं, गरम भाई वाला जलता है। और अभी खट्टी वाली चटनी डाल दी, अरे इसका बाल कितना लग रहा मुझे, अरे हमारे सब्जी पाई है कर लो यार, बहुत मसा रहा है कहीं जाने लगे अच्छा मार देते